ना शबमिन गिल उनका अंडर 19 से आया, जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। मैं समझता हूँ हमें भी यही करना, भारत ने वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म किया। आप क्या सीख सकती है पाकिस्तानी टीम इस वक्त भारत से? यही सीख सकती है कि हमें बहादुराना अंदाज से मुकाबला करना चाहिए, खतरा मोल लेते वक्त बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। हमने सोचा था कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा, बांग्लादेश ऐसी पिचेस बनाएगा कि इंडिया के बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आएगी, बड़े लो स्कोरिंग टेस्ट मैच चलेगा, हर इनिंग्स में कम रन आएंगे और इंडिया वाले जिसको कहते हैं बांग्लादेश के हाथों जिसको कहते हैं ना बल्लेबाज, बुरा हाल हो जाएगा, ये सोचा था। लेकिन हुआ क्या है, आपके सामने 512 का टारगेट दिया है, दो दिन पड़े हैं, 10 ओवर आज खिला दिए बांग्लादेश को, 512 रन का टारगेट। पुजारा ने कमाल करके दिखा दिया है, सारे जो आप बैस बॉल कर रहे थे, लेकिन पुजारा ने बताया कि भाई साहब मैं आपको बताऊंगा कि बैस बॉल कैसे खेला जाता है। क्या कमाल की बैटिंग, क्या कमाल के शॉट्स आज जो आप पुजारा ने खेले हैं, और सबको बता दिया है कि भाई टेस्ट क्रिकेट ऐसे भी मैं खेल सकता हूँ। इससे पहले पुजारा ने इतने तेज कभी जो है बैटिंग नहीं किया टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन आज वो काम भी कर दिया। और किस टाइम पे किया, 1400 दिन के बाद, 51 इनिंग्स के बाद जो है पुजारा के बल्ले से 100 आया और उनके करियर का सबसे तेज तरीन जो है 100 आया। कमाल की बैटिंग किया है, जबरदस्त बैटिंग किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश के दौरे पर गई हुई है, जहां वो अपना पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है। बताते चले कि भारत और बांग्लादेश के बीच जारी पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी भारतीय टीम के नाम रहा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भारत ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 258 रन बनाए, जिसके कारण बांग्लादेश को उसकी दूसरी पारी के लिए 512 रनों का टारगेट मिला है, जिसके जवाब में बांग्लादेश ने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बिना किसी विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से चेतेश्वर पुजारा और शुभम गिल ने शानदार बल्लेबाजी की। चेतेश्वर पुजारा ने 102 और शुभम गिल ने 110 रनों की पारी खेली। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों आइए चलते और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चेतेश्वर पुजारा और शुभम गिल की शानदार इनिंग को लेकर क्या कहा है। बात करूं पहली इनिंग्स में तो 404 आया, उसके बाद 150 पे बांग्लादेश 150 के रही, कुलदीप यादव से 5 विकेट ली, उसके बाद फिर इंडिया जब बल्लेबाजी करने आता है वो मतलब के अखीरी होगी। कोहली सेंचुरी मारता है इस साल के अंदर, समझ आ जाती है। सूर्य कुमार यादव भी सेंचुरी मारता है, क्या सेंचुरी मारता है, बड़ा मजा आया। ईशान किशन ने 200 मार दिया, फिर कोहली सेंचुरी मारता है, उसके बाद शुभमन गिल ने भी आके सेंचुरी मार दी। सेंचुरीज पे सेंचुरीज आती जा रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता कि अखीरी होगी सेंचुरीज पे सेंचुरीज। उसके साथ साथ रही सही कसर तो पूरी कर दी पुजारा ने, मतलब कि आप सेंचुरी मारो समझ आती है, या 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी। वो पुजारा जो कि टुक टुक के लिए फेमस है, वो आउट ही नहीं होता, वो इतनी बोले खेल जाता है, 40-50 बॉल पे जाके वो पहला सिंगल लेता होता है वो पुजारा। और आज अगर मैं आपकी बात करूं पुजारा की, तो पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ 102 रन मारे हैं, कितनी बॉलों पे, 130 बॉलों के ऊपर उसने सेंचुरी की है। इवन के शुभमन गिल जिसका जो कि तेज खेलता है, उसने 52 बॉल्स यूज किए, लेकिन पुजारा ने 78 के स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी की है 130 बॉलों के ऊपर। और अगर शुभमन गिल के स्ट्राइक रेट की बात करूं तो वो 72 का है, तो मतलब के पुजारा ने आज तो खीड़ी कर दी, 512 रन बोर्ड के ऊपर आ गए, सेंचुरीज पे सेंचुरीज, सेंचुरीज पे सेंचुरीज आ रही है। शुभमन गिल, OMG, व्हाट अ प्लेयर ही इज, क्या कमाल की बैटिंग की आज शुभमन गिल ने। आते साथ जो है वो पहले थोड़ा स्लो खेले, लेकिन उसके बाद अटैक किया है, 10 चौके 3 छक्के और कमाल की बैटिंग, 110 स्कोर 152 गेंदों का सामना किया। और इतने अरसे से अगर देखा जाए तो शुभमन गिल के बल्ले से स्कोर तो आ रहे थे, स्कोर आ रहे थे, लेकिन सेंचुरी नहीं आ रही थी। कभी जो 90s में आउट हो रहे थे, कभी जो वो 50s में आउट हो रहे थे, लेकिन आज फाइनली जो आपने टेस्ट की पहली सेंचुरी बनाने में कामयाब हुए हैं और जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। आप देखेंगे पिछले मैच में भी ऐसा ही हुआ इनके साथ के जो वो 50 जो तो हो गई, लेकिन सेंचुरी नहीं हो सकी। 4 50s लगाने के बाद आज आखिरकार अपने 12वें मैच में शुभमन गिल ने जो वो अपनी पहली सेंचुरी बना ली है। और शुभमन गिल और पुजारा की इस बैटिंग की बदौलत इंडिया की टीम इस टाइम मैच में बनी हुई है। तो दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है,
पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अब यह मैच पूरी तरह से भारत के गिरफ्त में आ चुका है क्योंकि भारत ने 512 रनों का टारगेट दिया है और अभी दो दिन बचे हुए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि भारत यह मैच आराम से जीत जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया ने शुभम गिल की भी तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत के पास एक से बढ़कर एक यंग टैलेंट है जो अपने टैलेंट का हुनर दिखाते रहते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत के पास ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स की जगह ले सकते हैं उनके ना होने पर। इसके साथ साथ पुजारा ने भी 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में अपना शतक लगा दिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पुजारा ने 75 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 102 रनों की शानदार इनिंग खेली। कुल मिलाकर यह मैच पूरी तरह से अब भारत के गिरफ्त में आ चुका है और अब हम आसानी से कह सकते हैं कि भारत इस मैच को जीत जाएगा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।